नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट में तनातनी जारी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के इस्तीफे के मामले में बीएमसी को झटका देते हुए ठाकरे गुट को बड़ी राहत दी है। अदालत ने बीएमसी को आदेश दिया है कि शुक्रवार सुबह 11 बजे तक ऋतुजा लटके का इस्तीफा बीएमसी मंजूर करे। बता दें कि ऋतुजा लटके उद्धव ठाकरे गुट के विधायक रमेश लटके की पत्नी हैं और बीएमसी में नौकरी करते हैं। उद्धव ठाकरे ने रमेश लटके के निधन के बाद अपनी पार्टी से ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन टिकट भरने से पहले ऋतुजा लटके को बीएमसी से इस्तीफा देना था, लेकिन बीएमसी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऋतुजा लटके के वकीलों ने हाईकोर्ट के सामने बीएमसी को पोल खोलते हुए कहा कि लटके ने बीएमसी में अपनी नौकरी से एक महीने पहले से ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा बीएमसी ने स्वीकार नहीं किया है। लटके के वकीलों ने बताया कि बीएमसी ऋतुजा लटके को इस्तीफा मंजूर करने का प्रमाण पत्र नहीं दे रही थी, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उसने शिवसेना का नया नाम देने और चुनाव चिन्ह बांटने के मामले में पक्षपात किया है। ठाकरे गुट ने आयोग के भेजे गए पत्र में 12 बिंदुओं का उल्लेख किया। ठाकरे गुट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने उनकी रणनीति को सबके सामने जाहिर कर दिया। ठाकरे गुट ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को पार्टी का जो नाम और चुनाव चिन्ह का विकल्प दिया था, उसे जानबूझकर चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया और इससे एकनाथ शिंदे के गुट को हमारी रणनीति को समझने में मदद मिली। पत्र में लिखा गया है कि वरना चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर दोनों गुटों के विकल्प एक जैसे कैसे हो सकते थे। ठाकरे गुट की ओर से चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह के विकल्प के तौर पर त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल दिए गए थे, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से चुनाव आयोग के सामने त्रिशूल, उगता सूरज और गदा में से एक चुनाव चिन्ह देने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा पार्टी के नाम के लिए भी दोनों ही गुटों के बीच शिवसेना बालासाहेब ठाकरे एक ऐसा नाम था जिसने दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के सामने रखा। बता दें, मुंबई के अंधेरी ईस्ट के लिए उपचुनाव होना है और इससे पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच चल रहे घमासान को देखते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना के आधिकारिक चुनाव चिन्ह धनुष और बाण को फ्रीज कर दिया था और इसके बाद ठाकरे गुट को मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम दिया गया, जबकि शिंदे गुट को ढाल और दो तलवार चुनाव चिन्ह और बालासाहेबजी शिवसेना नाम दिया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में भारी हंगामे के बीच उनको 3 घंटे के बाद छोड़ दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात के लोगों के भारी दबाव के चलते उन्हें गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा, गुजरात के लोगों की जीत हुई है। बता दें, गोपाल इटालिया के खिलाफ ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर की गई। इटालिया का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसे लेकर उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इस मामले में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया था। गोपाल इटालिया गुरुवार को दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में पेश हुए थे, जहाँ से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। गोपाल इटालिया ने हिरासत में ले जाने से थोड़ी देर पहले ट्वीट कर कहा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख उन्हें जेल में डालने की धमकी दे रही हैं। मोदी सरकार पटेल समाज को जेल के सिवा दे ही क्या सकती है। गोपाल इटालिया को हिरासत में ले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि इटालिया की गिरफ्तारी से पूरे गुजरात के पटेल समाज में भारी रोष है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, ये बीजेपी का डर है, लेकिन अब लोगों ने इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। चड्ढा ने कहा कि आज से कुछ साल पहले गुजरात में एक पाटीदार आंदोलन हुआ जिसने इस अहंकारी और प्रचंड ताकत वाली सरकार को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। आज कहीं ना कहीं उस पाटीदार आंदोलन का बदला लिया जा रहा है। राघव चड्ढा ने कहा कि हमें पूरे गुजरात से फ़ोन आ रहे हैं और वो लोग इस गिरफ्तारी पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अब चंद दिन बचे हैं, बीजेपी अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी का गुजरात की सत्ता से हटना तय है। वहीं आप नेता अतिशी ने कहा कि पाटीदार आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी को हटाना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी ने पाटीदार नेता गोपाल इटालिया को गिरफ्तार किया है। बीजेपी पाटीदारों से नफरत करती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर सौरभ गांगुली ने बयान दिया है। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान सौरभ गांगुली ने कहा कि कोई इंसान ना तो हमेशा खेल सकता है और ना ही हमेशा प्रशासन का काम संभाल सकता है। गांगुली ने कहा कि मैं बंगाल क्रिकेट संघ का 5 सालों तक अध्यक्ष रहा, बीसीसीआई का भी कई साल तक अध्यक्ष रहा। इन सभी कार्यकाल के बाद आपको इसे छोड़ना और आगे बढ़ना ही होगा। बता दें, बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी ने नामांकन कर दिया है और उनका निर्विरोध चुना जाना तय है।
इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को एक बार फिर से बीसीसीआई का सचिव बनाया जा रहा है। इस बीच टीएमसी ने गांगुली को हटाए जाने और जय शाह को बनाए रखने को लेकर बीजेपी पर वंशवाद का आरोप भी लगाया, साथ ही कहा कि गांगुली ने बीजेपी में जाने से मना कर दिया इसलिए उनको हटाया जा रहा है, ये राजनीतिक प्रतिशोध है। जांच एजेंसी ईडी ने पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर कर दी है। ये चार्जशीट गाजियाबाद की एक अदालत में दायर की गई है। ईडी ने इस साल फरवरी में राणा अयूब के 1.77 करोड़ रुपए जब्त कर लिए थे। राणा अयूब पर मनी लॉन्ड्रिंग करने और दूसरों की मदद करने के नाम पर इकट्ठे किए गए पैसों में हेराफेरी करने का आरोप है। गाजियाबाद पुलिस ने राणा अयूब के खिलाफ बीते साल सितंबर में FIR दर्ज की थी। ये FIR हिंदू IT सेल नाम के एक NGO के संस्थापक विकास संकृत्यायन के द्वारा दर्ज कराई गई थी। इसी FIR के आधार पर ईडी ने आगे की कार्रवाई की थी। बता दें कि राणा अयूब मोदी सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारत की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर यानी सीधे नकदी अकाउंट में भेजने की योजना और ऐसे ही दूसरे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की तारीफ की। इसने कहा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएं शानदार हैं और इससे दुनिया के दूसरे देशों को सीखना चाहिए। IMF में राजकोषीय मामलों के विभाग के उप निदेशक पाओलो मेरो वॉशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। PTI की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भारत से सीखने के लिए बहुत कुछ है, दुनिया भर में कुछ अन्य उदाहरणों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास लगभग हर महाद्वीप और आय के हर स्तर के उदाहरण हैं। अगर मैं भारत के मामले को देखता हूं तो यह वास्तव में काफ़ी प्रभावशाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने चुनाव में पक्षपात होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नेताओं की वजह से कहा कि बराबरी नहीं है। कई जगह पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बड़े नेता खड़गे जी को बुला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और लोगों को उनसे मिलने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। ये एक ही उम्मीदवार के लिए था, मेरे लिए नहीं था। मैं कई बार PCC गया हूँ लेकिन वहाँ अध्यक्ष नहीं था। मैं खुशी से साधारण कार्यकर्ताओं से मिला, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इस तरह के व्यवहार में फ़र्क नहीं है? थरूर ने इसके साथ ही कहा कि सिस्टम में कमियाँ हैं, मुझे जो लिस्ट दी गई उनमें किसी में नंबर नहीं थे, किसी में पूरा पता नहीं था, मैं कार्यकर्ताओं से कैसे संपर्क करूं? हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दुश्मनी की भावना नहीं है, खड़गे जी मेरे वरिष्ठ नेता हैं और मैंने उनके साथ काम किया है। शशि थरूर के द्वारा पक्षपात के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं और शशि थरूर भाई भाई हैं, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं, हम एक ही पार्टी में रहते हैं, कोई अपनी बात अलग ढंग से कर सकता है, उसमें हम में और उनमें कोई भेद नहीं है। शिकायत हमको मिलकर मोदी और शाह से करनी चाहिए, जैसे देश में हालात हैं, जिन मुद्दों से जनता प्रभावित है। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की अलग अलग राय सामने आई, यानी स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस धूलिया ने 5 फरवरी को दिए गए कर्नाटक सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया। दोनों जजों की अलग अलग राय सामने आने के बाद अब इस मामले को CJI की बेंच के सामने भेजा गया है। CJI UU ललित इस मामले में एक नई बेंच का गठन करेंगे। इस बेंच में 3 या इससे ज़्यादा जज हो सकते हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि इस बारे में मेरे 11 सवाल हैं और CJI को बड़ी बेंच का गठन करते समय इन सभी 11 सवालों पर विचार करना होगा और इसके बाद ही बेंच के गठन के मामले में फैसला करना होगा। जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है और इस विवाद को सुलझाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा ज़रूरी धार्मिक प्रथा वाला मुद्दा चुनना गलत था। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत ये पसंद का मामला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम में ज़रूरी धार्मिक प्रथा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के हिजाब बैन पर बटी हुई राय को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि आज समाधान हो जाएगा, लेकिन एक जज की राय हिजाब के फेवर में आई है। ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियां इसलिए हिजाब पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा है। BJP ने गैर जरूरी तौर पर हिजाब को मसला बनाया, बैन किया और बेवजह अशांति फैलाई। ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को एक बार फिर से कानूनन तर्कसंगत नहीं बताया और कहा कि उन्होंने कुरान के आयतों के गलत अनुवाद का इस्तेमाल किया, इसलिए वो इसे गलत मानते हैं।
सऊदी अरब समेत ओपेक देशों के द्वारा अमेरिका के दबाव को अनदेखा करते हुए तेल उत्पादन में कटौती करने के फैसले को लेकर अमेरिका ने जबरदस्त आलोचना की और सख्त कदम उठाने की बात कही, तो अब सऊदी अरब ने इस पर प्रतिक्रिया दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने रूस का पक्ष लेने और अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक कदम उठाने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये आरोप तथ्य पर आधारित नहीं है। जवाब में कहा गया है कि फैसला ओपेक प्लस समूह के सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से लिया है। ये फैसला किसी एक देश का नहीं है, ये फैसले आर्थिक आधार पर लिए जाते हैं ताकि तेल बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहे। बयान में कहा गया है कि सऊदी सरकार ने अमेरिकी प्रशासन से लगातार हो रही बातचीत में स्पष्ट किया था कि ओपेक प्लस के फैसले को एक महीना टालने के नकारात्मक आर्थिक परिणाम होंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि यूक्रेन संकट को लेकर सऊदी अरब की स्थिति को लेकर तथ्यों से छेड़छाड़ करना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सऊदी अरब की स्थिति नहीं बदलेगी। इसमें रूस यूक्रेन संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करना भी शामिल है। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल उत्पादन में कटौती करने को लेकर सऊदी अरब को चेतावनी दी और कहा कि उन्होंने जो रूस के साथ किया है उसके कुछ परिणाम होने जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि मेरे मन में क्या है और मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन इसके परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन की टिप्पणी प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सीनेटर बॉब मेनेंडेज के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को हथियारों की बिक्री सहित सऊदी अरब के साथ सभी सहयोग को तुरंत रोक देना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।